बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, ईरान एम्बेसी इन इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? एम्बेसी के बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे और नया वीज़ा आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, विजिट वीज़ा और ज़ियारती वीज़ा ईरान का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और बॉर्डर की क्या सूरत हाल है इस वक्त आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नए हैं तो चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने दूसरा चैनल टीच वीजा पंजाबी नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके जरूर देखिए, पंजाबी जुबान में वहां पे वीडियो अपलोड करते हैं हम। जी तो दोस्तों, बात करते हैं ईरान एम्बेसी इन इस्लामाबाद कब से ओपन होगी। मैं आपको बता दूं, कोई भी बंदा कंफर्म नहीं बता सकता कि ईरान की एम्बेसी कब ओपन होगी नए वीजों के लिए। फिलहाल ईरान की एम्बेसी ओपन है, लेकिन नए वीजों का जो काम है वो नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेल्स भी की, और ईरान का जो फ़ोन नंबर है इस्लामाबाद और लाहौर कौंसलेट का वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलाया, लेकिन किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ईरान एम्बेसी इस्लामाबाद को मैंने मेल भी की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेल करने के बाद एक रिप्लाई आया ईरान की तरफ से। वो ये आया कि ज़ियारती वीज़ा पहले ओपन होगा, पहले ईरान एम्बेसी की तरफ से जो वीज़ा इशू किया जाएगा वो ज़ियारती वीज़ा होगा, उसके बाद ईरान दूसरे जो विज़िट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या और जितने भी टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं ईरान के, वो इशू करेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सितंबर के एंड में इंशाल्लाह ताला ईरान की एम्बेसी तमाम किस्म के वीज़े इशू करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह ताला। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं कि ईरान एम्बेसी अपने तमाम वीज़ों का काम सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला ओपन कर देगी। तमाम वीज़े आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है या फिर चांसेस हैं। असल जो न्यूज़ है वो जब ईरान एम्बेसी ऐलान करेगी, इस्लामाबाद एम्बेसी ऐलान करेगी, उसके बाद ही मालूम होगा कि नए वीज़ों का जो प्रोसीजर है वो कब से शुरू होगा, और आप नया वीज़ा ईरान का, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, या और जितने भी वीज़ा हैं, ज़ियारती वीज़ा होगा, टूरिस्ट वीज़ा होगा, वो आप किस डेट के बाद अप्लाई कर पाएंगे स्पेशली पाकिस्तान से। अगर बात करें ईरान की एम्बेसी किसी और कंट्री में अभी तक ओपन हुई है या नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। ईरान की एम्बेसी दुनिया के किसी भी और कंट्री में ओपन नहीं है। आप किसी भी कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे आप इंडोनेशिया में हैं, मलेशिया में हैं, तुर्की में हैं, आप ईरान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नया ईरान का वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास पहले से वीज़ा मौजूद है ईरान का, वैलिड वीज़ा, तो आप फ्लाइट लेके भी ईरान जा सकते हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, बॉर्डर के ज़रिए भी ईरान में एंट्री हासिल कर सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। पाकिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर ओपन है, आप जा सकते हैं। बस जो कोरोना का टेस्ट है वो आपने करवाना होगा और आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद होना चाहिए तो आप ईरान जा सकते हैं। जब भी ईरान एम्बेसी की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो हासिल करने के लिए चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली बेसिस पे इसके ऊपर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, एम्बेसीज के रिलेटेड वीडियोस और वीज़ों के रिलेटेड, फ्लाइट के रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा दूसरा चैनल टीच वीज़ा पंजाबी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीच वीज़ा पंजाबी के ऊपर हम पंजाबी जुबान में वीडियो अपलोड करते हैं, तो जाके चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, और अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसकी वीडियो को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।